गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अब तक हमने सभी मात्राओं के बारे में पढ़ा है, अब हम संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, ष, त्र, ज्ञ और ष, ये जो है ये संयुक्त अक्षर है या संयुक्त व्यंजन हम इसे कह सकते हैं। क और ष की ध्वनि को के साथ जब ए को ए लिखा जाता है, क ष और ए, तो क और ष की ध्वनि से ष बनता है। ष से बनने वाले शब्द हैं क्षत्रिय, वृक्ष, क्षमा। ठीक है, ये ष से क्षत्रिय है, इससे बनने वाले शब्द है क्षत्रिय, वृक्ष, क्षमा। क और ष की ध्वनि को मिलाकर के ष बनता है। तर, तर, तर की ध्वनि में ए जुड़ता है और ये बन जाता है त्र। ठीक है, त्र। इन तीनों को वर्ण, इन तीनों अलग अलग वर्णों को मिलाकर के हम त्र की ध्वनि बनाते हैं। त्रय वर्ण जो है, त्रय वर्ण से बनने वाले शब्द है त्रिशूल, पत्र, नेत्र। ठीक है, ये त्रय जो है त और र की ध्वनि को मिलाकर बनता है। ठीक है, जैसे त्रिशूल, पत्र, नेत्र। आगे है ज, ण और ए, ज, ण को मिलाकर के ज्ञ बनता है। ठीक है, ज्ञ की ध्वनि बनेगी, इससे इससे जो शब्द बनेंगे वो है ज्ञानी, यज्ञ, विज्ञान। ठीक है, ज्ञानी, यज्ञ, विज्ञान ज्ञ की ध्वनि से मिलकर बने हैं और ज्ञ जो है ज और ण को मिलाकर के बना है, ज और ण को मिलाकर के। आगे देखिए श और र, ए, श्र। ठीक है, श, र, ए, इन तीन ध्वनियों को मिलाकर के श्र बनता है। श और र व्यंजन को मिलाने से श्र बनेगा। श्र से बनने वाले व्यंजन हैं, यह शब्द है श्र से बनने वाले, श्रमिक, श्रवण, आश्रम। ठीक है, श्रमिक, श्रवण, आश्रम, ये श्र से बने हुए शब्द हैं। आगे देखिए श्र से बनने वाले शब्द, कक्षा, शिक्षा, रक्षा, क्षेत्र, ये श अक्षर से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, श अक्षर जिनमें आता है वो शब्द है, कक्षा, शिक्षा, रक्षा, क्षेत्र। ये त्रय है, त्रय से बनने वाले शब्द हम देखेंगे, त्रय से बनने वाले शब्द हैं मित्र, चित्र, मित्र, पवित्र, विचित्र। यहाँ चित्र, मित्र, पवित्र और विचित्र शब्द हैं, इनमें त्रय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, आज्ञा, अज्ञात, इन सब में ज्ञ का प्रयोग हुआ है। ये ज्ञ अक्षर से बनने वाले शब्द हैं, ज्ञ अक्षर का प्रयोग हुआ है इनमें। श्रे, श्रीमान, श्रीमती, श्रद्धा, परिश्रम, ये सभी श्रेय से बनने वाले शब्द है। श्रेय अक्षर का जिनमें प्रयोग हुआ है, ये श्रेय शब्द है, श्रेय अक्षर से बनने वाले शब्द हैं। तो श्रेय, त्रय, ज्ञ और श्रेय चार संयुक्त अक्षर है या संयुक्त व्यंजन हम इन्हें कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है, इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।